अंकल अंकल बैठो ना अंकल अंकल बैठो ना अंकल झुको ना अंकल किशन माइक दे किशन मेरे प्रिय मित्र बड़े भाई स्वर्गीय ओमपुरी साहब उनकी जो फाउंडेशन कैन फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस की गई बनाई गई उसके सौजन्य से ये प्रीमियर हो रहा है। ओमपुरी के बेटे यहाँ पर खड़े हैं तो ईशान ईशान आप बताओ फाउंडेशन के बारे में। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा ज्ञान कम है। हमने मेरे पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन शुरू की है। अभी लगभग 3 महीना हो गया है। हमने इसकी लॉन्च जो है कांस में की थी हमने। और फाउंडेशन का मकसद ये है, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी का परवरिश वो गांव से आए थे। उनके पास ना छत था, ना खाना था, ना कपड़े थे। तो उन्होंने अपने बस लगन और मेहनत से पहुँचे अपनी मंजिल तक। और वो नहीं चाहते कि जो भी लोग जो बैकग्राउंड जो है जो माहौल उनके जैसे गांव से जो आ रहे हैं जिन्हें एक्टर बनना है वो नहीं चाहते कि उन्हें वो तकलीफ़ हो, वो स्ट्रगल हो। तो इसके लिए हमने ये फाउंडेशन शुरू किया है। तो उनके जो स्कूल है ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII उधर हमने स्कॉलरशिप और फेलोशिप शुरू की है एक्टरों के लिए, टैलेंटेड एक्टरों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास जिनको बनना है एक्टर, जिनके पास खूब सारा टैलेंट है लेकिन वो पहुंच नहीं सकते। तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स और जो हमारी देश की जो फिल्में हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, फिल्म मेकर को मौका देंगे अपने फिल्मों बाहर गांव लेके जाने के लिए, चाहे कांस हो चाहे बर्लिन हो, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में हो। और मेरे पिता के जो फिल्म्स हैं उन्हें भी आगे लेके जाएंगे हम। और एक और चीज़ हम करेंगे जो मेरे पिता चाहते थे, वो किसान थे जब छोटे थे गांव में खेती बाड़ी करते थे, तो वो चाहते थे कि वो किसान के लिए कुछ करें और वो उनका सपना था जो अधूरा रह गया और उसे भी पूरा करेंगे हम। तो यही है मकसद फाउंडेशन का। हाई टाइम एक ऐसी फिल्म बनी यू नो जो इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करती है। एंड मैं आई एम वेरी लकी देर आई गॉट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद गुरिंदर चड्ढा जो ऑफकोर्स इंडिया में भी और विदेश में भी इतनी मतलब यू नो फेमस इतनी अक्लेम्ड डायरेक्टर हैं। सो एंड ये जो कहानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रही है। देर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो आर लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट थैंक गॉड ऑल द रिव्यूज आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। सो वी आर होपिंग that you know a lot of people will watch this film and enjoy this film. Lots of compliments. I think they've been, like I said, reviews have been very very good, very very heartening. We're doing a lot of screenings for young women. Sorry, we're thodi garbad chal rahi hai, but
बट नो आई थिंक रिव्यूज तो बहुत ही अच्छे आए हैं एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर फाइंडिंग द फिल्म वेरी इमोशनल. इस चीज़ को कितना मानती है आपके बॉलीवुड मूवी सक्सेस होने में, अरे सेलिब्रिटी का करियर सक्सेस होने में, लाइफ में एक कैमरा मैन मतलब कितने मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं. आई थिंक एक्टर्स तो सिर्फ पर्दे पे नज़र आते हैं, बड़े पर्दे पे, बट एक्चुअल जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं. अगर वो ना हो तो हम इतना अच्छा ना दिखे. एक स्पॉट बॉय का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइट बॉय का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. वो अनसंग हीरोज़ होते हैं रियली. कोई उनके बारे में बात नहीं करता, कोई उनके उनको यू नो ऐसे इंटरव्यू नहीं करता, बट आई थिंक उनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री को इमेजिन कर पाना भी या फिल्मों को इमेजिन करना कर पाना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल. स्ट्राइक में जा रहे हैं हाल ही में, दो दिन से स्ट्राइक चल रहा था. हम उनके बेसिक नीड और स्ट्राइक के लिए बेसिक नीड जैसे सैलरी पैकेज इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए उनके लिए, सिक्योरिटी, आप क्या मानते हैं? पर मुझे ये लगता है आपसे जो भी, मेरे को ये लगता है कि जो भी करेक्ट डिसीजन होगा वो जो बॉडी है यू नो हमारी बॉडी वो मिलके करेगी. एंड आई एम श्योर कि उनके जो भी ग्रीवियंसेज हैं दे विल बी एड्रेस्ड. एंड आई हैव एंड आई एम श्योर दैट यू नो नोबडी लाइक्स टू गो ऑन स्ट्राइक या आई मीन ऑफ कोर्स एंड बहुत नुकसान होता है इंडस्ट्री का, बट आई एम श्योर जो भी उनके ग्रीवियंसेज हैं दे विल बी बहुत जल्द ही उसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा. ऑलरेडी ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी वेल वी बीन वेरी लकी. बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हमारा प्रीमियर हुआ था, लंदन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, अब इंडिया में रिलीज़ हो रही है. एंड आई एम सो हैप्पी कि इंडिपेंडेंस डे के 3 दिन बाद रिलीज़ हो रही है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. एक हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में भी कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स, अ लॉट ऑफ MPs हैव यू नो दे वांट टू सी द फिल्म. वी आर वेरी टच टुडे, यू नो दैट देयर हैज बीन सो मच अप्रिसिएशन फॉर द फिल्म इंटरनेशनली एंड नेशनली आल्सो. रिसेंटली CBSE न्यू चेयरमैन दे हैव सीन द प्रेजेंटेशन. यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग? वेल आई एम जस्ट वेरी हैप्पी ही इज देयर. इट्स अ साइन ऑफ गुड टाइम्स एंड प्रोग्रेसिव टाइम्स. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. बहुत ही यूनिक लग रही है आपको? बैग चाहिए आपको?
अभी देखने जा रहे हैं, अभी मैं कुछ क्या बोल क्या बोल रहा हूं, टीजर बहुत काफी पसंद आ रहा है लोगों को और एंडिंग में चल रहा है। हां हां, क्या आपकी टीम पर काफी काम किया गया है? थैंक यू, हम दोनों साथ में ही हैं पुकरे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। या कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जोशी एंड कांग्रेचुलेशंस टू विद्या, आई थिंक दे विल डू अ स्वेल जॉब। फिल्म मेकिंग, थिएटर, टीवी, एवरीथिंग इज अ टीम वर्क। इट हैज टू बी, इट हैज टू गो इन सिंक। मुझे नहीं पता था कि स्ट्राइक पे गए हैं। रियली आई थिंक उनकी सारी डिमांड्स होनी चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस आई ये हो ही जाएगा पूरी दुनिया में। एक जैसे जैसे लेबर यूनियन होती है, वैसे स्पॉट वर्क की यूनियन होती है, एक्टर्स की यूनियन होती है। आई थिंक दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। थैंक यू। Side.
अखिल सर साथ में हुमा जी साथ में movie Sonu Ke Titu Ki Sweety, which is with the director of Pyar Ka Panchnama, Love Ranjan sir, and so I'm again collaborating with the same team of Panchnama, and end of this year most probably the film is going to release, and uska already title announcement video aap logon ne dekha hoga. So wahi film hai, comedy hai, drama hai, so let's see how it goes. आई थिंक बहुत सारे क्लैशेज, अभी तो फ्राइडेज कम रह गए हैं, हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा हैं, तो क्लैशेज तो होने ही हैं, एंड बट अच्छी बात यह है कि हर किसी का जॉनर अलग है, तो ऑडियंस अलग होगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन होते हैं, तीनों दिन अलग अलग फिल्में देखने का मौका सबको मिलेगा. फिल्में अच्छी हों तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छे होंगे, एंड इस साल थोड़ा सा और बड़े कलेक्शन आ जाए अभी, यू नो, सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दीज फिल्म्स. एंड देखिए वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट आई एम श्योर कि जो भी डिसीजंस हुए हैं वो काफ़ी सोच समझ के हुए हैं, तो हम लोग को इन द इंडस्ट्री हम लोग को वेलकमिंग रहना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर रियली हैप्पी विद द विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, एंड आई थिंक फ्रीडम मिलेगा काफ़ी फिल्मों के जो कट्स बहुत ज़्यादा जो हो रहे थे, आई थिंक लोगों को लग रहा है कि कम होगा इस बार, एंड होपफुली इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री. Thank you so much. Thank you.